हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम जा रहे हैं आरडी नेचर रिट्रीट रिजॉर्ट। एक दिन की ट्रिप है हमारी, आज हम उसका आनंद लेंगे। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है एक दिन एक्सपेंड करने के लिए। ये बेंगलोर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हम नाइस रोड से जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? बनगट्टा रोड पे। आप देखिए, अब ये बनगट्टा का पूरा जंगल है। इस जंगल से होते हुए फिर हम बाहर निकलेंगे। पहले ये जंगल बनेगा। इसमें तो एलिफेंट एलिफेंट लग रहा है, जोन है, एलिफेंट का जोन है यहाँ। रास्ते पर कोई भी जानवर मिल सकता है। रोक लो, पहुंचने वाले हैं। 12 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। दिख सकता है उसको, कोई रोक टोक नहीं है। उसका जोन है ना, बेसिकली इधर ही पूरा चारों तरफ जंगल ही फैला हुआ है। अच्छा लग रहा है, एकदम आउटर में बसाया हुआ है रिजॉर्ट। बस 1 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम लोग आरडी नेचर रिट्रीट रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। चलिए इस रिजॉर्ट को हम एंजॉय करते हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी ढेर सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, एडवेंचर है इस रिजॉर्ट के अंदर। चलिए हम इस रिजॉर्ट को एंजॉय करते हैं। अंदर जाने के बाद बड़ों के लिए अलग टैग और छोटे बच्चों के लिए अलग टैग दिया गया है कि छोटे बच्चों क्या क्या एडवेंचर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पर देखिए पूरा मैप दिया गया है, आप जिस जोन में जाना चाहें क्या क्या है। तो हम लोग सुबह सुबह तो पहुँच चुके हैं। पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ तो वेलकम ड्रिंक दिया गया था फर्स्ट आने के बाद, तो हमें तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। हमने वेलकम ड्रिंक नहीं लिया, बाद में लेंगी। पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ पर ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट है। पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लोग घूमेंगे। తెలిసినా తెలిసిపోయినా
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर निकले तो देखिए इसका व्यू कितना ही अच्छा है। चलिए इस एडवेंचर को हम एंजॉय करते हैं और हम आपको भी दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर बोटिंग का भी अरेंजमेंट है और यहाँ पर लोग सब लोग बोटिंग कर रहे हैं, हम भी बोटिंग करेंगे। चलिए बाद में करेंगे, पहले हम दिखा रहे हैं आपको। बोटिंग करना है? किसको बोटिंग करना है? फिर हमारी फ्रेंड्स मिल गई, हम लोग बात कर रहे थे, चलो एक फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राइड्स थे, हमने भी इस राइड्स को ट्राई किया। हाँ निकल गई तनिषा। आओ जल्दी कर सकते हो।
जलेबी कितना टेस्टी थी। लंच करने के बाद हम बोटिंग के लिए लाइन में लग गए। बोटिंग में भी बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी।
अच्छा कितना लंबा लाइन है। कैसे खेला? बॉल में से 4 बॉल जीते हैं। अच्छा अच्छा गुड, वेरी गुड। मैंने देखा तो बहुत देखा था। अरे 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 सुन जमा पड़ गई। अरे ये क्या रेला है? ये ना पड़ गई। काट नहीं वेदा उनको। अंकल को पहले इधर देखो। चलो ये नहीं किया, अंदर डाल के नहीं करना है क्या, बाहर से ही करना है क्या? खुशी बैक विद टू फिंगर्स एंड पुल इट बैक। आप तो बोले पकड़ना नहीं, नहीं पकड़ना है, पकड़ना नहीं। किसे किसे कम दिशा कुछ हाँ चार इतना जाना है अंदर। ओह गुड वन जी निशाने डाल किसे कम दिशा हाँ सर। अरे मैं इधर आया हूँ गोए नेहरू के पास। हेलो बाहर ही चला गया। ये है आरडी नेचर रिट्रीट रिसोर्ट का रिसेप्शन। कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है इस रिसेप्शन को। जैसा कि एंट्री करते मान ही वेलकम ड्रिंक पीना था, हमने वेलकम ड्रिंक नहीं लिया था, इसलिए हम अब चल पड़े वेलकम ड्रिंक पीने के लिए। ब्लैक करंट आइस है विदाउट आइस देने को, बैंगलोर बहुत ठंडा रहता है। चलो भाई पिया जा, तुम भी यहाँ रखो, यहाँ रखो अपना बॉटल, तो कलर डाला हुआ है लग रहा है। इसका नाम क्या था?
यहाँ पर रात में लोग रुक भी सकते हैं और यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। जिन लोगों को कैंपिंग करना है उन लोगों के लिए ये कैंप बनाया गया है। इस कैंप में वो लोग रुक के एंजॉय कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए सही बात है। ये था एडवेंचर हमारा आरडी नेचर रिट्रीट रिजॉर्ट में। हमने पूरा तो कवर नहीं कर पाई, जितना भी कवर किया उतना बहुत ही था। हम तो बहुत ही थक गए यहाँ पर घूम के। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे आई थिंक, तब फिर मैं पूरा ही कवर करूँगी। अब हम घर को वापस जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक दिन घूमना चाहते हैं तो ये रिज़ॉर्ट बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं, इवन आप एक दिन रह भी सकते हैं यहाँ पर और रहकर कैंपिंग भी कर सकते हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। देखिए, वो बातें करते करते हम जंगल के अंदर आ गए हैं और जंगल से बाहर निकल कर हम अपने घर की ओर निकल जाएंगे। गाइस, इस ब्लॉग को मैं इसी यहाँ समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।